अपने इस एपिसोड में हम मून की स्टडी करने वाले हैं। मून अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है, यानी मून स्पेस में अर्थ का नेचुरली चक्कर लगाता है। क्या आपको पता है कि मून एग्जिस्टेंस में कैसे आया? एक्चुअली करोड़ों साल पहले कोई हैवी ऑब्जेक्ट अर्थ से टकराया था। इसके टकराने से अर्थ की रॉक्स स्पेस में चली गईं और एक साथ अर्थ का चक्कर लगाने लगी और फिर मेल्ट होके कूल हो गईं। क्या आपको मून की एज का कोई आइडिया है? 25 ईयर्स? नो। 200 ईयर्स? नो। 1000 ईयर्स? नो। मून की एज एक्चुअली 4.5 बिलियन ईयर्स है। अर्थ के फॉर्मेशन से करीब 30 से 50 मिलियन ईयर्स के बाद ये एग्जिस्टेंस में आया था। क्या आप इन्हें जानते हैं? ये नील आर्मस्ट्रांग है। मून पे पहला कदम इन्होंने ही रखा था, है ना मजेदार? इन्होंने 21 जुलाई 1969 को अपने फेलो एस्ट्रोनॉट बज एल्ड्रिन के साथ ईगल नाम के स्पेसक्राफ्ट से पहली बार मून विजिट किया था। मून ओशन के टाइड्स को कंट्रोल करता है। मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ओशन में दो उभार बनते हैं, जिनमें से एक का फेस मून की तरफ होता है और दूसरे का फेस मून के ऑपोजिट साइड में। ये उभार हाई टाइड्स जबकि ये वाले लो टाइड्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। मून अर्थ से बहुत छोटा है। इसका डायमीटर सिर्फ 2159 माइल्स यानी 3466 किलोमीटर है। क्या आपको पता है मून जैसे चार सैटेलाइट्स अर्थ के भीतर फिट हो सकते हैं? मून का टेम्परेचर हमेशा बदलता रहता है। ये -451 डिग्री फ़ारेनहाइट से 253 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच वेरी करता रहता है, है ना मजेदार? मून के बारे में अभी बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। हमारे वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो नीचे कमेंट्स में लिखें।